हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छी वैकेंसी की बात करने वाले हैं और ये वैकेंसी आई है आर्मी स्कूल से। चार स्कूलों की बात करेंगे इस वीडियो में। सभी पोस्ट जो है वो परमानेंट रहेगी, रेगुलर रहेगी, चाहे वो PRT की हो, TGT की हो, PGT की हो। सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है, केंद्रीय विद्यालय से अधिक सैलरी जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बिना CSB स्कोर कार्ड के भी जो है कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास CSB स्कोर कार्ड नहीं है वो भी आवेदन करें। तो एक एडवर्टीजमेंट में जो है 10 जनवरी लास्ट डेट है और दूसरे में 14 जनवरी लास्ट डेट है। बाकी जो है डिटेल में एडवर्टीजमेंट में सारी चीज़ें हम समझेंगे। वैकेंसी कहाँ से आई है, सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल मिलिट्री स्टेशन हिसार, यहाँ से वैकेंसी है। और ये जो स्कूल है ये कहाँ है, हरियाणा में है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करियर सेक्शन है इसे जो है ओपन करना है। इसे आप ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने होगा। तो यहीं पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और नोटिफिकेशन जो है सेकंड नंबर पर, सीरियल नंबर जो सेकंड है उसमें दिया हुआ है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। ये आपके सामने जो है विज्ञापन रहा। तो सबसे पहले जो है इस वैकेंसी को कवर करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से ये वैकेंसी है और ये कहाँ है, हरियाणा राज्य में है। ऑल इंडिया कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट में किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। PGT में फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, एक यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED आपके पास होना चाहिए, नहीं तो MPED आपके पास है तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने जो है कंडीशन लिखी है कि वैलिड स्कोर कार्ड आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है AWS, और उसके द्वारा आप लोगों को एक स्कोर कार्ड दिया जाता है जिसको CSB स्कोर कार्ड बुलाते हैं। तो उसमें 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, इस साल आपका छूट गया है, तो आप जो है हर साल ये कंडक्ट करवाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। तो इंटरव्यू के समय जो है वो इसकी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर आपका जो है इंटरव्यू सही रहता है, अच्छा रहता है, सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो 2 सालों के अंदर जो है आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये तो अच्छा ही है कि आप जो है एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो आराम से जो है अपने जो भी नज़दीक टीचर हैं जो कि पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर करके और फिर जो है रेगुलर बेस पर आए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से जो है तैयारी करते हैं। ठीक है, तो 2 सालों की बात होती है, तो साथ में जो है यहाँ पर आप टीचिंग करते रहें और साथ में एग्ज़ाम भी दें। उसके बाद TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश, साइंस और संस्कृत की वैकेंसी है। इंग्लिश की 3 है, साइंस की 2 है, संस्कृत की 1 है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में जो है BEd या MEd होनी चाहिए। BEd में जो है ये 50% मार्क्स जो हैं मांग रहे हैं। TGT इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो। TGT साइंस के लिए कहा है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। TGT संस्कृत के लिए कहा है कि ग्रेजुएशन के 3 सालों में संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। BEd 50% अंक के साथ, वैलिड स्कोर कार्ड जो है आपके पास हो तो ठीक, नहीं है तो इंटरव्यू के समय जो है बिल्कुल इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन सभी के लिए एक ही है कि आपके पास नहीं है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने नहीं दिया है, 2 सालों के अंदर ज्वाइनिंग के बाद आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, TGT के लिए जो है CTET या TET जो है वो बिल्कुल चाहिए, 60% मार्क्स भी जो है यहाँ पर मांगे गए हैं। नेक्स्ट है TGT हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में हो और साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काउंसलिंग में होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके पास बिल्कुल अनुभव नहीं है, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया, पहली बार जो है पढ़ाना चाहते हैं और आर्मी स्कूल के लिए जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 40 साल तक जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है और जिनके पास अनुभव है उनके लिए 57 ईयर। लास्ट डेट जो है यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो 14 जनवरी 2024 ये लास्ट डेट रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनेगा 100 रुपये का, ज़्यादा आपका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ीस नहीं लगेगी, केवल 100 रुपये लगेगी और ये आप जो है बैंक में जाकर बनवाएंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा इस नाम से बनवाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है आप सभी जानते हैं कि सैलरी विल बी एज पर आर्मी पब्लिक स्कूल नॉर्म्स। ठीक है, 45,000 आप लोगों को जो है बिल्कुल दी जाती है PRT के टीचर को, तो आप जो है देख सकते हैं।
और जितने भी स्कूल में वैकेंसी आ रही है सैलरी जो है वो सबकी समान ही है आर्मी पब्लिक स्कूल में। लास्ट में जो है यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो इसे आप डाउनलोड करके फिल कर लेंगे और फिल करके जो है आप लोगों को दिए गए एड्रेस पर भेज देना है अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी जो है आप उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। एड्रेस जो है क्या रहेगा, तो सबसे ऊपर ही जो है विज्ञापन में दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार, पिन कोड नंबर हरियाणा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, हिसार के ही हैं कैंडिडेट, तो आप बाय हैंड भी जो है स्कूल में पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है यहाँ पर 3 स्कूलों की वैकेंसी की बात करेंगे एक साथ इसी एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि CSB स्कोर कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं, सिलेक्शन भी आप लोगों का हो जाएगा। उसके 2 सालों के अंदर आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है, ठीक है। और ये भी जो है वैकेंसी रेगुलर है बिल्कुल। इससे पहले जो है यहाँ पर जो वैकेंसी आती थी तो स्कोर कार्ड जो है वो बिल्कुल चाहिए ही था, जिनके पास नहीं है तो वो इंटरव्यू ही नहीं दे पाते थे, बट इस साल से जो है इन्होंने थोड़ा सा छूट दे दी है। APS बारकपुर, अगर आपके समझ में आए तो, और उसके बाद जो है APS कोलकाता, APS पानागढ़, यहाँ से वैकेंसी है। TGT हिंदी की है, PGT फिजिक्स एंड बायोटेक की है, और APS पानागढ़ में PGT फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन टीचर, TGT के लिए मैथ सोशल स्टडीज साइंस कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन टीचर काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर, PRT में जो है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर ऊपर आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं है और पानागढ़ में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहें, ठीक है, तो PRT सभी सब्जेक्ट यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं। PGT के लिए इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन क्या लिखी है, 50% अंकों के साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट आप हों, साथ में BEd हो 50% मार्क्स के साथ में। TGT के लिए जो है ग्रेजुएशन के साथ में BEd हो 50% मार्क्स के साथ में, स्कोर कार्ड है तो ठीक, नहीं है तो भी अप्लाई करें, और साथ में जो है आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो CTET और TET जो है बिल्कुल ऊपर लिखा गया है TGT के टीचर्स के लिए। PRT के लिए जो है बिल्कुल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, और DLED वाले, STC वाले, BTC वाले बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर BEd भी है, यानी PRT में इन्होंने BEd वालों को भी एलिजिबल कर दिया है और यहाँ पर DLED वाले BTC वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। उसके बाद जो है PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है वही क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और फिजिकल एजुकेशन में और VPED। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है यहाँ पर BEd नहीं मांगते हैं, बाकी जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन BEd, ठीक है, BEd जो है इन्होंने नहीं मांगा है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के पास जो है BCA या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या BE BTech कंप्यूटर साइंस या IT में, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, साथ में आपके पास जो है A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEIC, तो भी आप अप्लाई करें। TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है दोबारा से जो है क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है। TGT काउंसलर के लिए जो है साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर डिग्री काउंसलिंग में, स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल एजुकेशन में BEd होनी चाहिए, सामान्य BEd है तो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में। उम्र यहाँ पर सभी में, सभी स्कूलों में समान ही है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं 40 वर्ष तक, और जिनके पास अनुभव है 5 साल का तो 57 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब जो ये 3 स्कूल से वैकेंसी है, 10 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, मात्र 4 दिन ही शेष हैं, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 3 दिन में जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो है स्कूल में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है APSPanagar.com। 100 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जिस भी स्कूल के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे तो उसी स्कूल का नाम लिखेंगे, उसी स्कूल के नाम का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ये जरूर ध्यान में रखना है, और साथ में जो है कॉन्टैक्ट नंबर उसी स्कूल का, ईमेल आईडी जो है वो भी उसी स्कूल की डाल दें, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है, ये जो तीनों स्कूलों की जो वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले जो है इसकी मेन वेबसाइट पर चलते हैं। तो जैसे ही पानागढ़ की मेन वेबसाइट पर आते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को विज्ञापन ही दिखेगा, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। और तो ये पानागढ़ जो है कहाँ है, सबसे नीचे जो है हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़, पूर्वा बर्धमान, वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है, ये जो तीनों स्कूलों की वैकेंसी की अभी हमने बात की, तो ये जो है वेस्ट बंगाल के स्कूल हैं, ठीक है। अब जो है इंटरव्यू की डेट आपको कैसे पता लगेगी, तो इसका जो है लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जैसे ही फॉर्म फिल हो जाता है आपका,
लास्ट डेट निकल जाती है, उसके बाद जो है रेगुलर आप लोग मेन वेबसाइट को देखते रहें जिस भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है। ऐसा ना हो कि कहीं जो है आपने देखा नहीं, और हो सकता है, वैसे तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप नंबर आपने दिया है तो उसके द्वारा, अगर नहीं आता है तो भी आप लोगों को मेन वेबसाइट पर देखते रहना है, ठीक है, ये आपका ही काम है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।